हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो जैसे कि अब बस हम कुछ ही घंटे दूर है मनी इन दी बैंक पे पर व्यू से, और जैसा कि इससे पहले मैंने आप सबको सारी थिंग्स बता दी, चाहे बात कर ली जाए बैटिंग ऑर्ड्स की, चाहे बात कर ली जाए सारे मैचेस की, चाहे बात कर ली जाए मेरी प्रेडिक्शन की। एंड गाइस, ये मनी इन दी बैंक 2020 के पेपर व्यू से पहले की मेरी लास्ट वीडियो होने वाली है, जहां पर मैं बात करने वाला हूं ऐसे 5 शॉकिंग थिंग्स के बारे में जो कि हमें देखने को मिल सकते हैं मनी इन दी बैंक के पेपर व्यू में। तो सबसे पहली थिंग है कि हमें स्मैकडाउन के हैकर का डेब्यू देखने को मिले। तो आप सबको पता है ये थिंग काफी पहले से चल रही है एंड सभी फैंस को इस चीज ने अट्रैक्ट कर लिया, एंड सभी यही जानने के लिए एक्साइटेड है कि आखिरकार ये मिस्ट्री हैकर है तो है कौन। और जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि WWE बैकस्टेज शो में भी मिस्ट्री हैकर पहुंच गया था, एंड वहां पर भी हमें ऐसे हिंट देखने को मिली थी कि लैडर मैच में हमें उस मिस्ट्री हैकर का कोई रोल देखने को मिल सकता है, क्योंकि वो जब अपनी थिंग सभी को समझा रहा था देन नीचे जा रही थी मनी इन दी बैंक पार्टिसिपेंट्स की नेम, इसलिए हो सकता है कि ये मिस्ट्री हैकर वाली थिंग हमें रिवील होते हुए दिखे। फाइनली WWE के हेडक्वार्टर्स में जब चल रहा हो मेंस एंड वुमेन्स मनी इन दी बैंक लैडर मैच, और आप सबको पता ही है लास्ट ईयर क्या हुआ था जब मुस्तफा अली जीतने वाले थे मेंस मनी इन दी बैंक लैडर मैच, देन वहां पर शॉकिंगली आ जाते हैं ब्रॉक लेसनर एंड वो मुस्तफा अली को गिराकर जीत जाते हैं मनी इन दी बैंक की कॉन्ट्रैक्ट। और क्या पता इस ईयर हमें मुस्तफा अली का ऐसा कुछ रोल देखने को मिल जाए जब वो एज अ मिस्ट्री हैकर आकर बन जाए मिस्टर मनी इन दी बैंक। वेल, इसके चांसेस तो काफी ज्यादा कम है, बट हां होते हुए भी हमें दिख सकता है, क्योंकि आप सबको पता है मिस्ट्री हैकर मुस्तफा अली है जिसके 90% चांसेस है। एंड जैसा कि हमें हिंट भी मिला है कि ये मिस्ट्री हैकर वाली थिंग हमें मनी इन दी बैंक 2020 में रिवील होते हुए दिख सकती है, इसलिए क्या पता हमें मुस्तफा अली यहां पर अपना शॉकिंग रिटर्न करते हुए दिख सकते हैं। लेकिन हाँ, इसके होने के काफी कम चांसेस है। इसके अलावा बात की जाए नंबर 2 पर कौन सी शॉकिंग थिंग है, तो नंबर 2 पर जो शॉकिंग थिंग है वो ये कि WWE के हेडक्वार्टर्स के टॉप से हमें नीचे कोई सुपरस्टार कूदता या फिर गिरता हुआ दिखे। और आप सबको बता दूं ये थिंग लगभग 90% कंफर्म है, क्योंकि ऐसे रूमर्स भी निकल कर आए थे कि खुद विंस मैकमैन सभी सुपरस्टार को ये स्टंट खुद कर बता रहे थे कि आखिरकार ये थिंग कैसी करनी। और आप सबको पता ही है मनी इन द बैंक 2020 की मेंस एंड वुमेन्स दोनों लैडर मैच एडिटेड होने वाले, तो WWE इजिली ये थिंग करते हुए दिख सकती है। एंड ज्यादा चांसेस यही कि जो सुपरस्टार ये स्टंट करेगा वो पॉसिबली होने वाले किंग कॉर्बिन, जिन्हें कोई ऊपर से धक्का दे देगा, या फिर वो होने वाले हैं रे मिस्टीरियो। इसलिए लेट्स सी कि आखिरकार इस लैडर मैच में क्या कुछ इंटरेस्टिंग थिंग होती है। इसके अलावा बात की जाए नंबर 3 पर कौन सा शॉकिंग थिंग है, तो वो ये है हमें द फिंड ब्रे वाइट की झलक देखने को मिल जाए मनी इन द बैंक के पेपर व्यू में। तो जैसा कि आप सबको पता है ये रूमर्स एंड बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग ब्रॉन स्ट्रोमन अपनी टाइटल रिटेन करने वाले मनी इन द बैंक के पेपर व्यू में, एंड ये थिंग तो आप सबको पता ही होगी उस मैच में फिंड नहीं कम्पीट करने वाले ब्रॉन स्ट्रोमन के अगेंस्ट, वहां पर कम्पीट करने वाले फायरफ्लाई फन हाउस वाले ब्रे वाइट। इसलिए हो सकता है जब ब्रॉन स्ट्रोमन हरा दे नॉर्मल वाले ब्रे वाइट को, देन हमें फिंड की झलक देखने को मिल जाए। वो हो सकता है कि WWE किसी तरह से वहां पर फिंड को ले आए, या फिर वो हमें एक वीडियो पैकेज के थ्रू टाइटनट्रॉन स्क्रीन पर देखने को मिल जाए, एंड वहां पर वो ब्रॉन स्ट्रोमन को ये बोले कि आई एम नॉट फिनिश्ड विद यू। और इसके बाद हमें ये हिंट मिल जाएगा कि अभी भी ब्रॉन स्ट्रोमन एंड ब्रे वाइट की फ्यूड खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इस बार हमें ब्रॉन स्ट्रोमन के सामने फायरफ्लाई फन हाउस वाले ब्रे वाइट देखने को नहीं मिलने वाले, इस बार हमें देखने को मिलने वाले द फिंड ब्रे वाइट। इसलिए कह सकते हैं ये शॉकिंग थिंग हमें देखने को मिल सकता है मनी इन दी बैंक के पेपर व्यू में। इसके अलावा बात की जाए नंबर 4 पर कौन सी थिंग है, देन गाइस नंबर 4 पर जो थिंग है वो है मेंस मनी इन दी बैंक लैडर मैच के विनर्स है। तो अगर मैं आप सबसे पूछूं कि आपको क्या लगता है इस मैच में किसकी जीत होने वाली है, देन मैक्सिमम लोग AJ स्टाइल्स एंड एलिस्टर ब्लैक का नाम लेंगे। बट क्या हो अगर हमें कोई स्मैकडाउन का सुपरस्टार जैसे कि ओटिस, किंग कॉर्बिन या फिर डैनियल ब्रायन में से कोई जीतते हुए दिख जाए, क्योंकि आप सबको बता दूं रॉ में चैंपियन बेकी लिंच इस वीक के मंडे नाइट रॉ में हमें कन्फ्रंट करते हुए दिखने वाली है वुमेन्स मनी इन दी बैंक लैडर मैच के विनर से। अब आप सबको पता ही है मेंस एंड वुमेन्स मनी इन दी बैंक लैडर मैच के विनर दोनों एक ही ब्रांड से निकले, इसके काफी कम चांसेस है, बट हाँ होते हुए भी दिख सकता है। एंड डेव मेल्जर ने हमें ये थिंग कही है कि हमें इससे पॉसिबल हिंट मिला है कि हमें वुमेन्स मनी इन दी बैंक लैडर मैच का विनर अगर रॉ से निकलते हुए दिखेगा, देन मेंस मनी इन दी बैंक लैडर मैच का विनर स्मैकडाउन से भी निकलते हुए दिखने वाला है। अब इसके बाद ये भी हो सकता है कि WWE ने हमें सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ये थिंग डाली हो सकता है कि हमें वुमेन्स मनी इन दी बैंक लैडर मैच का विनर स्मैकडाउन से ही देखने को मिले, एंड वहां से कोई सुपरस्टार आकर कन्फ्रंट करे बेकी लिंच को, या फिर हो सकता है कि WWE इस साल रॉ से ही मेंस एंड वुमेन्स मनी इन दी बैंक लैडर मैच का विनर निकाल दे। वैसे भी तो मेंस एंड वुमेन्स मनी इन दी बैंक के बैटिंग ऑर्ड्स में AJ स्टाइल्स एंड साइना बेजलर का ही नाम टॉप पर है, जो कि रॉ के सुपरस्टार है। इसलिए कह सकते हैं WWE ने हम फैंस को पूरी तरह से कंफ्यूज कर दिया कि आखिरकार हमें विनर कौन से ब्रांड से निकलते हुए दिखने वाला है। तो अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट एंड लास्ट शॉकिंग थिंग के बारे में।
बारे में जो कि नंबर 5 पर है, और वो ये है हमें मंडे नाइट मसाया सेथ रॉलिंस हराते हुए दिखे ड्रू मैकइंटायर को एंड वो बन जाए हमारे न्यू WWE चैंपियन। अब ये थिंग काफी ज्यादा शॉकिंग है इसलिए मैंने इसे लास्ट में रखा है। तो इससे पहले मैंने आप सबको बताया था कि अगर यहाँ पर ड्रू मैकइंटायर सेथ रॉलिंस को क्लेमोर लगाकर क्लियरली पिन कर हरा देते देन वो मेरे लिए एक काफी बड़ा शॉक होगा, क्योंकि ये मैच पॉसिबली बडी मर्फी के इंटरफेरेंस या फिर किसी और तरह से एंड होते हुए दिख सकती है। बट अगर ड्रू मैकइंटायर को सेथ रॉलिंस किसी भी तरह से हरा दे, चाहे वो इंटरफेरेंस या फिर किसी भी तरह से, देन वो सभी के लिए काफी बड़ी शॉक होने वाली, क्योंकि ड्रू मैकइंटायर रिसेंटली WWE चैंपियन बने और वो इतनी जल्दी अपनी चैंपियनशिप हार जाएंगे इसके काफी कम चांसेस है। एंड अगर सेथ रॉलिंस यहाँ पर बडी मर्फी के इंटरफेरेंस या फिर किसी भी और तरह से टाइटल जीत जाते हैं, यानी कि वो WWE चैंपियन बन जाते हैं, तो वो सबसे बड़ा शॉक होने वाला है पूरे मनी इन द बैंक के पेपरव्यू में। और ये कह सकते हैं इसके चांसेस तो काफी ज्यादा कम है, बट अगर ये होता है तो ये सभी के लिए एक काफी बड़ा शॉक होगा। लेकिन गाइस आप सब मुझे ये कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्या लगता है इन पांचों में से ऐसी अगर कौन सी थिंग देखने को मिलती है जिसे देखकर आप सबसे ज्यादा शॉक होंगे। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।